और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाता है, उन्हीं में से एक है माता मनसा। देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां मनसा की शरण में आने वालों का कल्याण होता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पहाड़ पर स्थित है। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है माता मनसा से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। इस मंदिर में देवी की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति की 5 भुजाएं व 3 मुंह हैं, जबकि दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं मां मनसा शक्ति का ही एक रूप है, जो कश्यप ऋषि की पुत्री थी, जो उनके मन में अवतरित हुई थी और मनसा कहलाई। नाम के अनुसार मनसा माँ अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली है। माँ के भक्त अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए यहाँ आते हैं और पेड़ की शाखा पर एक पवित्र धागा बांधते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो दोबारा आकर माँ को प्रणाम करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं और धागे को शाखा से खोलते हैं। कहा जाता है कि देवी मनसा का पूजन पहले निम्न वर्ग के लोग ही करते थे, परंतु धीरे धीरे इनकी मान्यता भारत में फैल गई। उनके मंदिर की पूजा मूल रूप से आदिवासी करते थे, पर धीरे धीरे उनके मंदिरों को अन्य देवीय मंदिरों के साथ किया गया। वैसे तो मनसा देवी को कई रूपों में पूजा जाता है। इन्हें कश्यप की पुत्री तथा नाग माता के रूप में साथ शिव पुत्री विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। 14वीं सदी के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसात किया गया। मां की उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा बंगाल क्षेत्र में होती थी और अंत में शैव मुख्यधारा तथा हिंदू धर्म के ब्राह्मण परंपरा में इन्हें मान लिया गया। इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जर्तकारु, जगत गौरी, मनसा, सीयोगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जगत कारुप्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। यह मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है और नवरात्रों के दिनों में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर लोग माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।